हनुमान जी सुरसा के परीक्षा को पार करते हुए इस निशिचरी के परीक्षा को सामने जा रहे हैं। यह वह निशिचरी थी जो गगन से उड़ने वाले छोटे से जो जीव जंतु हैं, उनके छाया को अपने जल में उनको देखते हुए पकड़ती थी। और गोस्वामी जी लिखते कि गह ही छाह सक सो न उड़ाई, एही विधि सदा गगन चर खाई। यह एक वास्तविकता है हमारे जीवन की कि जब कोई संत इस राम कार्य को करने के लिए हमारे जैसे सामान्य प्रापंचिक लोगों में से जब इस राम कार्य के हेतु इस गगन में उड़ने की कोशिश करता है, तो हमारे जैसे ही लोग हैं जो ऐसे जीव की इस राम कार्य में एक बाधा बनते हुए, एक विघ्न बनते हुए उसके आसमान में होने वाले प्रवास को हम जमीन पर खींच लाने की कोशिश करते हैं। हमारे संत ज्ञानेश्वर इस महाराष्ट्र की भूमि में समस्त वारकरी संप्रदाय के, जिनको हम माउली कहते हुए आज भी कई किलोमीटर चलते हुए सारे वारकरी माउली माउली का गजर करते हुए आलंदी में आते हैं, उनके समाधि पर नतमस्तक होते हैं। लेकिन सोचिए, जब मेरे ज्ञानेश्वर महाराज इस महाराष्ट्र की पावन भूमि में आज से करीबन 700-750 साल पहले इसी पैठण और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में केवल एक शुद्धि पत्र के लिए लोगों को जाके पूछते थे कि हम कोई ब्रह्मचारी के पुत्र होते हुए भी क्या हमें मौजी बंधन का अधिकार नहीं है, क्या आप हमें शुद्धि पत्र नहीं दे सकते। और तब हमारे जैसे ही ये वैदिक निशिचर कहते थे कि आपको शुद्धि पत्र नहीं मिल सकता, आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है, यह राम कार्य करने के लिए जो जो जीव इस सामान्य जनों से आगे जाने की कोशिश करता है, यह निशिचरी उसे वापिस नीचे खींच के इस गगन में ग्रस लेती है। हनुमान जी भी ऐसे ही जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह मेरे संत ज्ञानेश्वर भी इन लोगों के विचार से, इन लोगों की एक अत्यंत विचित्र दृष्टि से प्रभावित न होते हुए अपना यह राम कार्य इस महाराष्ट्र के भूमि में इस तरह से कर गए कि आज भी 750 साल के बाद संत ज्ञानेश्वर की प्रेरणा कई लोगों को विठ्ठल सन्मुख करती है, भगवत सन्मुख करती है। ऐसे मेरे संत ज्ञानेश्वर का यह राम कार्य यही सुंदरकांड का भी रहस्य है कि जब हनुमान जी इस राम कार्य के लिए जा रहे थे और निशिचरी जो हर एक जीव जंतु की छांव पकड़ते हुए उसे नीचे खींच लेती थी, लेकिन हनुमान जी को वो नहीं पकड़ पाई। क्या है परीक्षा, ये किसको पकड़ती थी वो, क्या है इसका मतलब? यह सिंधु माने यह भवसागर है, इस भवसागर से हनुमान जी हमें इस भवसागर को लानने का, पार करने का एक सुंदर सूत्र दे रहे। भक्ति की खोज में हनुमान जी निकले हैं और इस भक्ति की खोज में जाने वाले हर संत को यह निशिचरी उसके हृदय की वासना के आधार पर, उसके अंतरंग की परीक्षा करते हुए, अगर उसके मन में, उसके अंतकरण में अगर कोई भी छोटी सी वासना बची हो तो उस वासना के आधार पर उसे नीचे खींच लेती है। हमारे जीवन में हम जब राम काज को निकलते हैं तो हमें अपने आप को यह सवाल पूछना चाहिए कि मैं यह क्यों करने जा रहा हूं, इससे मैं क्या चाहता हूं, मैं कुछ मेरे निजी स्वार्थ के लिए यह राम कार्य कर रहा हूं। और स्वार्थ अलग अलग तरीके से होते हैं। आप सिर्फ कहोगे नहीं मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यह सवाल
या यह उत्तर मुंह से देना बहुत आसान है अगर हम हमारे अंतकरण में झांक के देखें तो पूरी तरह से निस्वार्थता, पूरी तरह से निरपेक्षता क्या हम इस राम कार्य में हमारे हृदय में जतन कर रहे हैं? क्या मैं अपना नाम भी इस कार्य में पूरी तरह से समर्पित करने के लिए तैयार हूं? इन सारे सवालों को हम अपने आप से पूछें और शायद कोई सवाल हमारे मन में यह उत्तर हमें दे कि नहीं, इसमें मुझे यह निजी स्वार्थ है, समझ लेना यही मेरी वासना, यह निशिचरी हमें नीचे खींच लेती है। और हनुमान जी ने इस निशिचरी को पहचान लिया, वो उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे हनुमान जी के हृदय में इस राम कार्य में केवल और केवल भक्ति की खोज, यह एक ही उद्देश्य था, यह एक ही हेतु था, ना उन्हें अपने खुद की कोई परवाह थी, ना इस कार्य के आधार पर अपने नाम को इतिहास में सुवर्णाक्षरों में लिखने की उनकी कोई तमन्ना थी, वो तो केवल निकल चुके थे बस। और ऐसी निशिचरी जब उन्हें पकड़ नहीं पाई तो मेरे हनुमान जी ने उस निशिचरी को मार डाला है, ताही मारी मार रुत सुत बीरा। प्रारब्ध को हम मार नहीं सकते, संचित को हम मार नहीं सकते, संचित को केवल हम उसे मुक्त रख सकते हैं कि तेरी जो भी सत्ता है वो केवल और केवल मेरे देह पर है, मैं उसके ऊपर तुझे छोड़ देता हूं, लेकिन हृदय की वासना का अगर हम पूरी तरह से परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस हमारे जीवन की जो दुर्वासना है उस दुर्वासना का वध करना, यही सबसे बड़ा उचित मंत्र हनुमान जी हमें देते हैं। और देखिए संयोग भी कितना सुंदर है कि हनुमान जी ने इस निशिचरी को मारा है, अपने अंतरंग में अपने खुद की परीक्षा करते हुए सारी वासनाओं का त्याग किया है और फिर भोग नगरी रूपी लंका में उनका प्रवेश होता है। जो संशय अंगद के मन में था कि मैं शायद लंका जा पाऊं लेकिन मैं पीछे नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी वासनाएं मुझे लंका से बांधे रखेंगे, और जैसे ही मेरे हनुमान जी ने निशिचरी को मारा, गोस्वामी जी लिखते हैं, ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारी दी पार गय हूं मति धीरा। दृढ़ बुद्धि के हनुमान जी लंका के उस तरफ समुन्द्र के उस किनारे पर पहुंच गए। और देखिए निशिचरी ने किन किन वासनाओं की परीक्षा की थी, हम देखते हैं कई लोग अपने जीवन में बड़े व्रतस्थ रहते हैं लेकिन अपने अंत काल में अंत समय में ये सारे इंद्रिय उनके ऊपर इस तरह से हावी हो जाते हैं कि जीवन में जिस व्रत को वो निभा रहे थे वो व्रत उनके जीवन के अंतिम समय में इन इंद्रियों के किए हुए एक प्रगाढ़ हल्ला से या प्रगाढ़ किए हुए उनके ऊपर के इस आक्रमण से वो अपने जीवन में उसे अबाधित नहीं रख सकते। जैसे मेरे हनुमान जी लंका में पहुंचे, गोस्वामी जी लिखते हैं, तहां जाई देखी बन सोभा, गुंजत मन गुंजत चंचरीक मधुलोभा। एक बानर को इतना बड़ा कार्य करके आने के बाद गोस्वामी जी ने उतारा है एक वन में, और कैसा वन, जहां पे नाना तरुफल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। एक कपि के लिए एक सुंदर आहार का क्षेत्र था जहां पे सुंदर सुंदर फल थे, फूल थे, नाना प्रकार के वृक्ष थे, खग मृग थे। ऐसे सुंदर वन में हनुमान जी का आगमन हुआ है, लेकिन इस राम कार्य में जो संत इस कार्य से आगे निकलता है वो कोई भोग के लिए नहीं निकलता, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं निकलता। जब वह अपने सारे सखाओं को कहता है कि सही दुख कंद मूल फल खाए, कि आप यहां पे दुख सहन लो, आप यहां पे कंद मूल फा खाओ, तो वह नेतृत्व भी ऐसा रहता है कि जब वह खुद इस कार्य में ऐसे वन क्षेत्र में जाता है जहां पे सुंदर फल है, जहां पे अत्यंत सुंदर ऐसे वृक्ष है, लेकिन वहां पे जाने के बाद भी हनुमान जी के मन में इन फलों का आहार करने की कोई वासना नहीं है,
क्योंकि राम कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और यही वासना निशिचरी ढूंढ रही थी कि शायद यह एक कपी है, एक चंचल कपी, और इसके मन में शायद कोई वासना हो तो मैं उसे खींच लूं, लेकिन उसे कोई वासना नहीं मिली। और मेरे महादेव जी, इस कथा का जो यह लाइव टेलीकास्ट हमारे लिए कर रहे हैं, जो खुद अपने आत्मचक्षु से इस प्रसंगों को देख रहे हैं, वो कहते हैं, उमा न कछु कपि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। हे उमे, अगर तुम ऐसी समझती हो कि यह परीक्षा में हनुमान जी पूरी तरह से उत्तीर्ण हो गए, तो इसमें हनुमान जी का कोई अधिकार नहीं है। यह तो केवल और केवल प्रभु प्रताप था, यह प्रभु कृपा थी कि जिसके कारण जो हनुमान जी इन सारे अग्निदीवियों से निकले थे, इन अग्निदीवियों से निकलने के बाद उन्होंने इस वन में भी प्रवेश किया, लेकिन इस वन में भी उन्होंने ना सुंदर फल, ना फूल, ना वृक्ष इनका आस्वाद लिया है। वो स्वयं इस राम कार्य के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। हनुमान जी वहां पे एक उत्तुंग ऐसे गिरी पर चढ़कर लंका का अवलोकन करने लगे, और गोस्वामी जी ने इस लंका का अवलोकन जो हनुमान जी ने किया है उसका वर्णन हमारे सामने इस छंद के द्वारा करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरा यतना घना चहु हट हट सुबट बीति चारुपुर बहु विधि बना गजबाजी खचर निकर पदचर रथ बरु थनी को गनय बहु रूप निसिचर जूथ अति बल तेन बरनत नहीं बने बन बाग उप बन बाटिका सर उप बापी सोही नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही कहु माल देह विशाल सैल समान अति बल गर्जही नाना खारेन धीरही बहु विधि एक एकन तर्जही करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिसि रचई कहु महिष मानुष धेनु कर अज फल निसाचर भचही एही लागी तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीरनि जागी गति पै है सही पुर रखवारे देखी बहु कपि मन की न बिचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार सियावर राम चंद्र प्रिय हो। हनुमान जी ने उस गिरी पर चढ़ते हुए लंका का अवलोकन किया है। इस लंका का जो सुवर्णमय प्रकाश पूरी तरह से इस आसमान में प्रकाशित हो रहा था, जिसकी प्रभा को देखकर मेरे हनुमान जी भी क्षण मात्र स्तंभित हुए हैं। उन्होंने देखा कि इस लंका में अनेक निशाचर हैं, अनेक प्रकार से वहां पे समृद्धियां हैं, सुख है, भोग है,
वहां पे इस लंका का रक्षण करने के लिए कई राक्षसों को रावण ने सीमाओं पे तैनात किया है। ऐसे लंका में मुझे अगर प्रवेश करना है तो मुझे रात में कोई तो सूक्ष्म रूप धारण करते हुए इस लंका में प्रवेश करना होगा। यही मेरे हनुमान जी की बुद्धिमताम वरिष्ठम, यह विवेकी भूमिका है। क्योंकि कोई भी सामर्थ्यवान आदमी बड़ा तो हो सकता है, लेकिन शायद वो मशक समान रूप, अति लघु रूप धारण कर सके, यह एक प्रश्न हो सकता है। और यही राम कार्य में हमें आने वाली जो आगे की बाधा है, आइए इस प्रश्न का चिंतन हम आगे की कथा भाग में करें।